पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है और तमाम जो पक्ष और विपक्ष के नेता है, सुबह से ही विपक्ष जो है बाहर से ही हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि 200 फ्री बिजली को लेकर भी और तमाम चीजों को लेकर विपक्ष बाहर से ही हंगामा शुरू कर दिया। तो सदन के अंदर जो है विपक्ष ने कई मुद्दों पर, आरक्षण के मुद्दों पर कि उसको नौवीं सूची में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है, इसको लेकर एक बार फिर विपक्ष हंगामा किया। तो सीएम नीतीश ने ये कह दिया, एक महिला, विपक्ष की एक महिला को सीएम नीतीश ने ये कहा कि तुम बैठो, तुमको कुछ समझ में नहीं आता है। हालांकि सीएम नीतीश ने ये बात नॉर्मल तरीके से कही थी, लेकिन अब इसके बाद जो विपक्ष जो है अब इसको लेकर एक हथियार बना लिया है। जमा खान, उनके खास मंत्री, जब सदन से बाहर निकले तो उनसे पूछा गया कि सीएम नीतीश एक बार फिर महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार कर रहे हैं, सदन के अंदर कुछ ऐसा बोल दिए कि जिससे खलबली मच गई। उस पर उन्होंने कहा कि ये सब विपक्ष का हथियार है, बस मुद्दा बनाकर विपक्ष ऐसा करती है, चाहती है कि सदन में आराम से जो है बात नहीं हो सके, इस कारण से जानबूझ के एक हथियार बनाती है। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से सीएम नीतीश ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, वो महिलाओं के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो बस एक नॉर्मल तरीके से कहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री जमा खान, आप खुद सुनिए। आज जो सदन के अंदर महिलाओं के साथ जो मतलब कहना होगा, जो दुर्व्यवहार किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, इस तरह से बातें कही गई, तो वो क्या कहेंगे इसको? कौन दुर्व्यवहार किया? महिलाएं कह रही है, राजद की जो विधायक है वो कह रहे हैं कि हमें आता नहीं है कुछ, इस तरह की बातें कही। ऐसा नहीं, दुर्व्यवहार देखिए, आप जानते हैं कुमार जी बिहार के हर लोगों को सम्मान करते हैं, बिहार के हर समाज का सम्मान करते हैं, पूरे बिहार के तमाम जनमानस का सम्मान करते हैं, सबके लिए किया है। आप जानते हैं कि अगर बिहार के अंदर कोई काम किया है हमारे बहनों के लिए, हमारे माताओं के लिए, वो नीतीश कुमार काम किया है, विकास भी किया है, काम भी किया है, उनको जो है सम्मान जो शासन को अधिकार अगर बिहार में कोई दिया है वो नीतीश कुमार ने दिया है। आप खुद जानते हैं, मीडिया के साथ ही हैं, बिहार में जो काम दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार का देने, वो लोग क्या बात करेगा? उन लोगों को तो हमेशा साजिश रहता है कि हल्ला करना है, विपक्ष हल्ला करता है, बिहार का विकास ना हो, बिहार का विकास अवरुद्ध हो, ये लोग बराबर चाहते हैं। लेकिन आरजेडी की जो महिला विधायक है वो तो कह रही है कि अब तो हम लोग सदन से लेकर सड़क तक महिलाओं का सम्मान की बात है। जो बोलना है बोले, अब हम उधर नहीं, उनका हम नहीं बोलना चाहते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, वो व्यक्ति, उस नेता की बात आप कर रहे हैं, जो नेता ने महिलाओं को सम्मान दिया, जो नेता ने सम्मान दिया और महिलाओं के लिए काम किया, वो तो समझाते हैं जो गार्जियन है। बाकी आज जो महिलाओं को मिला, मेरे बहनों को मिला, नीतीश कुमार जी का देन है, किसी और का देन नहीं है। अब बोले, अपने मुंह से कुछ भी बोलना है बोले, लेकिन आप ही बताएं, मीडिया के साथ ही आपसे कुछ छिपा हुआ है? बिहार में जो अधिकार हमारे बहनों को मिला कौन दिया है? वो नीतीश कुमार ने दिया है। आप खुद जानते हैं मीडिया के साथ ये छिपा क्या है। बिहार में किसी क्षेत्र में जाइएगा, अगर छोटी लकीर बड़ी लकीर विकास की है वो नीतीश कुमार ने दिया है। जो आज सम्मान देश के मानचित्र में अगर बिहार का आया है वो नीतीश कुमार जी का देन है, 2005 के बाद आया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि बहनों का सम्मान अगर कोई करता है, नीतीश कुमार जी ने काम दिया, अधिकार दिया, सम्मान। नीट पेपर लीक मामले में एक कानून भी आ जाना है, मुख्यमंत्री उसको लाना चाहते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? ठीक है, वो तो नीतीश कुमार जी तो हमेशा फैसला वही करते हैं जो बिहार के फायदे में हो, बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार के बहनों के लिए फायदा में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।